This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर रिसीप और पेमेंट कवर करेंगे। पहले हम एक पूरा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम परचेज, सेल, रिसीप, पेमेंट कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा इस सेशन के अंदर, ठीक है। ये हमारी बीजी सीरीज की 6th वीडियो है जिसके अंदर हमारा आज टॉपिक रिसीप और पेमेंट का स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। हम जिस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये मान के चलेंगे हम इस कंपनी के एक अकाउंटेंट हैं। क्या है, हम इस कंपनी के एक अकाउंटेंट हैं और जो भी हम सोचेंगे इस कंपनी के बिहाफ से सोचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा परचेज का बिल है या सेल का बिल। जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी है जिससे हमने माल, मुझे पता है माल के, बट आप शायद आप लोगों को नहीं पता, या स्टार इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। सर हम कैसे जज करते हैं कि हमने इससे माल खरीदा है या नहीं? याद रखना, अगर आपकी कंपनी का नेम, क्योंकि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और आपने वो कंपनी बनाई है, तो आप उस कंपनी का नाम जब किसी के बिल के नीचे आ जाए तो आप ये मान लेंगे, क्या कर लेंगे, आप ये मान लेंगे कि ये आपका परचेज का बिल है। क्योंकि कॉमन चीज यही कहती है कि जब आप किसी को माल बेचते हो तो वो अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखता है और सामने वाले की इंफॉर्मेशन नीचे रखता है। इससे हम ये जज कर सकते हैं, इससे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमें, हम जो माल खरीद रहे, जो हमें बिल आया है वो हमारा परचेज का बिल है, जो हमारा बिल आया है वो परचेज का बिल है। क्यों सर? क्योंकि कॉमन चीज है, जो माल बेचेगा अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखेगा और जो माल खरीदेगा अपनी इंफॉर्मेशन नीचे रखेगा। इसलिए हमेशा आजकल जितने भी आपको प्रोजेक्ट में देता हूँ बनाने के लिए, करने के लिए, तो उस केस के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपकी कंपनी का नाम नीचे है तो आप ये मान लेंगे ये आपका परचेज का बिल, क्लियर है। और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ली जिस कंपनी का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन डाल के मैंने इस कंपनी को सेव कर दिया। कंपनी सेव हो जाने के बाद मैं डायरेक्ट कहाँ पर आया, मैं आया ट्रांजेक्शन पे और सबसे पहले पहुंचा परचेज। मैं परचेज पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में परचेज सेल सिखा दी थी, अब मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को। अब सबसे पहले हमने परचेज किससे करा, स्टार इलेक्ट्रॉनिक से। हमें कंपनी बनानी, सबसे पहले हमें तारीख देखनी है, माल हमने कब खरीदा है। जो हमने माल खरीदा है वो 2/4 को खरीदा है, तो यहाँ पर हम 2/4 लिख देंगे। 2/4 वाउचर नंबर, इसके अंदर जो भी होगा हम वाउचर नंबर टाइप कर दें। वाउचर नंबर 01, तो हम यहाँ 01 टाइप कर देंगे। पार्टी का नाम हम F3 करके बनाएंगे, पार्टी का नाम था स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ग्रुप में हम लोग सिंडिकेटर्स डालते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम जिससे उधार पर माल खरीदते हैं उसके ग्रुप में हम लोगों को सिंडिकेटर्स डालना होता है। उसके बाद हमें इसका एड्रेस गिवन है, तो हम आज पूरी इंफॉर्मेशन के साथ काम करेंगे। 35A मेन रोड नियर बाय अगरवाल स्वीट्स आजाद नगर दिल्ली 31, ठीक है। इसके बाद बाकी टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, मेल आईडी तो दे रखी, वो आप सब डाल लीजिएगा। कोई चीज की अपनी करना है प्रॉपर वे में लिखना है। मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को आपको नो करना है और सेव सेव करने प्रिंटर भी यूज करते हैं, 2 बार F2 करके भी सेव कर सकते हैं। माल रखने की वही जगह मेन स्टोर, उसके बाद आपको आइटम पे आना। जैसे आप आइटम पे आएंगे, हाँ आइटम आपको गिवन है रोलेक्स 202, यहाँ पर आप एक आइटम बनाएंगे F3 करके जिसका नाम लिखेंगे रोलेक्स, ठीक है, ठीक है। 202 यूनिट पीसेस रखेंगे और हमें आज परचेज प्राइस दिया है, सेल प्राइस नहीं दिया है, तो हमें 499 करके F2 करके सेव कर। कितनी क्वांटिटी हमने ली है, हमने 15 पीस लिए, तो हम यहाँ 15 पीस डाल देंगे। उसके बाद हम F2 करेंगे, एक और आइटम बनाएंगे रोलेक्स 203 रखेंगे और ग्रुप यूनिट पीसेस कर देंगे और परचेज प्राइस जो है वो हमारा 10920, F2 करेंगे और सेव कर देंगे। कितनी पीस है हमारी, हमने बोला 20 पीस, तो 20 पीस डाल देंगे। अब देखिए हमने मिस्टर स्टार इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से 2,85,885 रुपए का माल खरीदा। अगर आपको इस बिल का टोटल करना है तो आप इस बिल के टोटल को भी रेफर कर सकते हैं। और याद रखना, जब भी आप किसी बिल की एंट्री करते हैं तो आपके सामने ये मोटिव होना चाहिए, जो आप बिल सेव कर रहे हैं उसकी बिल की वैल्यू आपकी बिल की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती तो आप मैनुअली कैलकुलेशन करके देखिए, कोई इश्यू हो तो आप डिस्कस कीजिए और इसको सेव कर दीजिए।
आपके पास ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जो माल खरीदे उस माल की वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा की है और आपने इस पार्टी का पैन कार्ड नंबर नहीं डाला। आप इसको सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम चलते हैं, हमने इसको नेक्स्ट करा, भारत इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी है, इसको हम ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तारीख इसकी 3/4 है तो हम यहाँ 3/4 कर देते हैं। बिल नंबर जो है वो है B161, पार्टी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ग्रुप में हम लोग संडी क्रिएटर्स लिखेंगे, एड्रेस गिवन है, एड्रेस आपको ध्यान से फिलअप करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड सब ध्यान से डाल के और F2 करके सेव करना है। उसके बाद आपने क्या आइटम इनसे परचेस करी, आपने सैमसंग गैलेक्सी परचेस करा है 15 पीस, तो आप यहाँ पर F3 कर दीजिए, लिख दीजिए सैमसंग गैलेक्सी। अब ये यूनिट पीसीज है तो यूनिट पीसीज रखिए। उसके बाद प्राइस 14,000 है तो 14,000 डाल दीजिए और F2 करके सेव। कितनी पीस आपने खरीदी, आपने टोटल 15 पीस खरीदी तो आप 15 पीस डाल देंगे। उसके बाद आपने क्या खरीदा, लिनोवा K6 पावर, तो यहाँ पर आप F3 करके बनाएंगे, लिनोवो K5 K6 पावर, यहाँ यूनिट पीसेस रखेंगे। परचेज प्राइस हमें गिवन है 11,000, 11,000 टाइप कर देंगे और सेव कर। कितनी पीस है, 13 पीस है तो हम यहाँ 13 पीस डाल देंगे। फिर F3 करेंगे, एक और आइटम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे लिनो वो के फाइव नॉट, यूनिट पीसेस रखेंगे और परचेज प्राइस जो है वो हमारा 12,000, तो आप यहाँ पर 12,000 लिखेंगे और सेव कर। कितनी पीस है, 18 18 टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, सैमसंग, ठीक है, जियोनी, यहाँ पर F3 कर देंगे, सैमसंग जियोनी। इसके बाद पीस कितनी पीस है हमारी, तो 15,000 रेट है, 15,000 डाल देंगे और F2, कितनी पीस, 12 पीस। तो आपने टोटल 7,49,000 रुपये का माल खरीदा। आप यहाँ देख लीजिए इसके टोटल भी 7 लाख गलत आ रहा है, देखिए कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 15 25 पीस था, मैंने 12 पीस डाल दिया। यही चीज मैंने आपसे बोली थी कि आप इस बिल की वैल्यू को मैच करेंगे और देखिए बिल की वैल्यू मैच हो गई, 9,44,000 रुपया भी। इसके बाद F2 कीजिए और सेव कर दीजिए, सेव हो गया इसके बाद आपका। उसके बाद आ जाइए अगेन, आपने आप जो माल खरीदा है वो सेवन इलेक्ट्रॉनिकल से खरीदा है, ठीक है, 4 तारीख जो है वो 4 तारीख है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे तारीख 4। बिल नंबर आपका जो है वो है T55, ठीक है, और है 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिकल, ग्रुप में सैंड्री क्रेटस, देन हम इस टॉपिक को नोट करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हमने जो खरीदा जेट किंग 501, ठीक है, तो हम यहाँ से F3 करके आइटम बना लेते हैं। फाइव जीरो वन यूनिट हम लोग पीसीज रखेंगे, रेट है हमारा 440, 14,500, F2 कर देंगे, कितना 10 पीस, तो 10 पीस डाल देंगे। उसके बाद हम F3 करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे नोटी, कितना ही, और 502 यूनिट हम पीसेज रखेंगे, देन रेट है हमारा 12,500, F2 सेफ, कितनी 10 पीस 10 डाल देंगे। फिर हमने 10 पीस थी 100 पीस हो गए। फिर F3 करेंगे, एक और बना लेंगे प्लेयर, प्लेस कितना 503 यूनिट पीसेस रखेंगे और 12,500 सेव कर देंगे, कितनी 10 पीस, तो 10 डाल देंगे। उसके बाद हम लोग वीडियो कॉन F3 करेंगे, प्लेयर क्या 504 यूनिट पीसेस रखेंगे और प्राइस है 11,500, F2 करेंगे से कितना 12 पीस, तो 12 डाल देंगे। और
देखते हैं यार छोटी सी कोई मिस्टेक हो। एक मिस्टेक मेरे साथ हो गई, मैंने यहाँ पर 11,500 रखना था, मैंने 12,000 रख दिया। इसको ठीक करने के लिए मैं ऑल प्लस एम दबाऊंगा जैसा कि आप जानते हैं, फिर मैं यहाँ 11,500 करूंगा और 2 बार F2 करके सेव। गलती होती तो F9 करते हैं और अगेन हम उस आइटम की नेम को पुट अप करते हैं। क्या था आइटम का नेम? था वीडियो कॉन और 10 12 पीस। तो आप देख सकते हैं हमारे बिल की वैल्यू अब मैच हो गई। अब इसको सेव कर दीजिए F2 करके। ये पॉपअप इसलिए आता है क्योंकि आपने पार्टी का आईटी पैन कार्ड नहीं डाला। इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब हेमंत एसोसिएशन एसोसिएट एक कंपनी है। तारीख सबसे पहले देखिए तारीख कितनी है, तारीख 6 है। बिल नंबर कितना है? 1058। अब F3 करके पार्टी का नाम क्रिएट कर लीजिए। पार्टी का नाम था है मंथ एसोसिएटेड एसोसिएशन, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में संडे क्रिएटर रखिए, मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो कर दीजिए और इसको F2 करके सेव कर दीजिए। सेव हो गया। उसके बाद आप यहाँ से एक आइटम बना लीजिए। आइटम आप बना लेंगे, लिखा है मोटरोला 5 है तो आप F3 करके बनाएंगे, MOTORLA, ठीक है, मोटरोला। फाइव यूनिट पीस रखेंगे, परचेज प्राइस है 325 रुपये, 325 रखेंगे। क्या रेट है? क्वांटिटी 10 पीस, 10 डालेंगे, F3 करेंगे। और क्या आइटम आपने परचेज करी है? IP ऑन कितना? 4 4 आईफोन होगा, आईफोन पीसीस कितना? 245 सेफ कितनी? 6 पीस 12 पीस, तो यहाँ 12 दे दिए हैं। फिर F3 करा, आईफोन 6 प्लस पीसीस कितना? 130 कितना? 10 हो गया। आप इस बिल को रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आ रही है। F2 और सेफ, सेफ हो गया। इसके बाद आ जाइए लास्ट बिल हमारा कैश का है, तो हम यहाँ कैश टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तारीख देख लेते हैं, तारीख है इसकी 9 तारीख, 9 तारीख डाल दी। वाउचर नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं, वाउचर नंबर है 455। पार्टी का नाम तो बनाने की जरूरत नहीं, कैश तो ऑलरेडी बना होता है। उसके बाद लिनोवा F3 करके बना लेते हैं हम लोग, लिनो वो कितना? लिनोवो है थिंक, ठीक है। सेंटर पीसेस तो पीसेस टाइप कर देंगे, कितनी पीस है? पीसेस जो है वो आपकी रेट है 1425 रुपए। F2 करके सेव कर दीजिए। कितनी पीस है आपकी? 15 पीस है तो 15 टाइप कर देंगे। उसके बाद लिनोवा F3 करा, लिनो वो ठीक है, आइडिया सेंटर यूनिट पीसेस तो पीसेस रखा, रेट है 1608 रुपये। कितनी पीस है? 15 पीस है। F3 करा, ठीक है, लिनो वो ठीक है, लिनो वो ठीक है, एच एग ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे, यूनिट पीस रख दीजिए। परचेज प्राइस कितना है? 1320 रुपये, 1320 रुपये टाइप कर दीजिए। क्या रेट है? 10 पीस, 10 डाल दीजिए। बिल की वैल्यू देखिए मैच हो रही है आपस में। हाँ बिल की वैल्यू आई थिंक मैच हो रही है, मैच हो गई। F2 करके आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो कैश नेगेटिव जा रहा है क्योंकि कैपिटल नहीं लगाई है कंपनी में, इसलिए नेगेटिव जा रहा है। फिर हमने PNR एंड सन से माल परचेज करा है, तो परचेज के लिए हम डायरेक्ट परचेज वाउचर में आ जाएंगे। तारीख हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तारीख इसके अंदर है 6 तारीख, हम यहाँ 6 तारीख ले लेंगे। बिल नंबर है R/450151। F3 करेंगे, लिखेंगे PNR एंड सन्स
ग्रुप में सेंडरी क्रिएटर्स डाल देंगे, मेंटेन विल बाय विल टॉपिक को नो करेंगे और हम यहाँ से एक आइटम बनाएंगे, ठीक है, एच टी सी एफ थ्री करा एच टी सी 211 यूनिट पीस ले लेंगे। ये सेल प्राइस जो है वो हमारा 12 परचेस प्राइस 12,000 कितने 18 पीस हमने एफ थ्री करा, फिर एच पी कितना 131 पीसेस ले लेंगे यहाँ पर। परचेस प्राइस हमारा है कितना 1260 सेव कर देंगे, फिर हम एफ थ्री करेंगे कितना उषा 141 यूनिट पीसेस रखेंगे और 13,314 रुपए। कितने पीस है हमारी 10 पीस और 10 डाल देंगे। टोटल मिला के हमने कितने का माल परचेस करा 39,860 रुपए। हम इसको सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट काम क्या है। नेक्स्ट काम जो है वो सेल है, तो सेल के लिए हम लोग कहाँ पर आएंगे। अब देखिए जिससे मैं सेल कर रहा हूँ मेरी कंपनी का नाम ऊपर है, सामने वाली कंपनी का नाम नीचे। सेल के लिए हम बिना सोचे कहाँ आ जाएंगे, सेल वाउचर पे आएंगे। सेल वाउचर पे गए, हमने यहाँ तारीख डाली जिस दिन हम लोग माल खरीदे हैं। याद रखना इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक चलेगा, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तारीख 21 तो 21 रखेंगे। पार्टी का नाम है विनायक, विनायक ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में हम लोग संडे क्रेडिटर्स रखेंगे, मेंटेन मिल बाय बिल टॉपिक को नो करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद क्या आइटम है, आइटम है सैमसंग गैलेक्सी कितना 12 पीस, तो 12 डाल देंगे। रेट 15,000 है, मैनुअली टाइप कर दीजिए। इसके बाद हमने क्या करा एच टी सी 21 कितनी 12 पीस, तो 12 डाल देंगे। रेट 1500 मैनुअली डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या परचेस करा, आपने आईफोन परचेस करा है 6 कितनी पीस, आपने 1 पीस परचेस करी तो 1 पीस डाल दीजिए। रेट यहाँ पर गिवन है कितना 180, तो 180 टोटल मिला के आपका बिल की वैल्यू होगी 1,98,180 रुपये, बिल्कुल एक्यूरेट बिल की वैल्यू है। अब आप इसे एफ टू कीजिए और सेव कर दीजिए। सेफ हो गया। आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट भी देख सकते हैं। फिलहाल आप इसको स्किप ही कर दो, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए क्योंकि आपका भी स्टार्टिंग नहीं है इस चीज की। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमने नरेश इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को माल बेचा है, तो हम यहाँ पर तारीख देख लेते हैं। तारीख हमारी है 22, तो 22 ले लेंगे। एफ थ्री करेंगे, पार्टी का नाम बना देंगे नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, आप लोग लिख लीजिए। ग्रुप में संडे डेप्टर्स रखेंगे। याद रखना डेप्टर्स वो होते हैं जिनको हम उधार पर माल बेचते हैं, जिसे हमें पैसा लेना होता है। हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद हमारी जो आइटम थी वो हमने लिनोवो K6 बेचा, तो मैं K और 6 टाइप कर दूंगा कितने 10 पीस। दूसरी चीज रेट क्या था, रेट है हमारा 13,000, तो हम 13,000 डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या परचेस करा, K5 परचेस करा है नोट कितनी पीस है 15 पीस है, तो 15 डाल देंगे। रेट क्या है हमारा, रेट है 15,000, तो 15,000 टाइप कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आ जाइए हम लोग, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने कैश में माल बेचा है 22 तारीख को, तो यहाँ कैश लिख देंगे। पार्टी का नाम हमारे पास यूपी एचपी 131। हमने कितनी पीस बेची, हमने 10 पीस बेची 1300 के रेट से, 1300 डाल देंगे। उसके बाद हमारा उषा 141 ठीक है, ये 15 5 पीस है, तो 5 पीस डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या रखा है मोटरोला कितना आपका 15 पीस, तो 15 डाल देंगे। लेकिन सर रेट नहीं डाल लिया आप, हाँ रेट डाल देता हूँ मैं 400 और 400। स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, हो सकता है देख लेते हैं स्टॉक कितना 10 पीस से 15 बेच रहे हैं इसलिए नेगेटिव जा रहा है। सर आपको पता कि चला स्टॉक नेगेटिव, जब आप इंटर मारते हो नीचे करंट स्टॉक दिखाता है, देखिए ध्यान से ठीक है, इसलिए पता चल रहा है। इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। फिर हमने एक और सेल करी, किसको करी है सेल, शिप शिप के शिप 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 शिप्रा ट्रेडर, यहाँ पर आप ठीक करेंगे पार्टी बनाते हैं शिप्रा ट्रेडर्स। ग्रुप में संडे डेप्टर्स, इसको नो करेंगे और एफ टू करके हम लोग सेव कर। अब क्या है, है रोलेक्स 202, तो यहाँ रोलेक्स 202 ले लेंगे कितनी पीस 15, तो 15 टाइप कर देंगे। रेट क्या है, रेट है 5,000, तो 5,000 टाइप कर देंगे।
हमने एक आइटम बनाई रोलेक्स 23, कितनी पीस है आपकी? आप पीस है 10, तो 10 डाल देंगे, क्या है 11,000, तो 11,000 टाइप कर दें। टोटल मिला के आपने 1,85,000 का माल खरीदा, आप देख सकते हैं 1,85,000 का माल हो गया, और आप इसको सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद अब आपकी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कैश का, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये भी आपका वीना ट्रेडर्स, ये पूरा प्रोजेक्ट आपको करना है, ठीक है? मैंने आपको सेल समझा दी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिसीव एंड पेमेंट आती है। रिसीव और पेमेंट बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको क्या करना है, रिसीव एंड पेमेंट के अंदर आना है। कहाँ आना है? रिसीव और पेमेंट। सबसे पहली चीज, जब भी आप रिसीव पेमेंट करेंगे तो दो चीजें अपने मन में रखनी है। पहली चीज, कैश अकाउंट होगा तो हमेशा कैश का नाम आना कंपलसरी। जब भी आप कैश अकाउंट करेंगे तो कैश का नाम आना कंपलसरी है। और एक चीज याद रखना, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में टू साइड होती है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। रिसीव में कैश हमेशा डेबिट होगा और पेमेंट में कैश हमेशा विड्रॉल होगा। कैश में रिसीव साइड में कैश हमेशा डेबिट होगा, कैश साइड में रिसीव साइड में कैश हमेशा डेबिट होगा, और पेमेंट साइड में कैश हमेशा क्रेडिट होगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। जब आपने ये चीज याद रख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हमें पैसा मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है? एस आलम के लिए। तो हम यहाँ क्या आ जाएंगे, एस आलम पे आएंगे, हम यहाँ बिजी को ऑन करते हैं और यहाँ रिसीव पे आते हैं। सर रिसीव पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला ना हमें एस आलम पैसा दे रहा है, तो हमें रिसीव पे आना पड़ेगा। कब दे रहा है? 10 तारीख। 10 तारीख एस आलम क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ एस आलम लिखिए। सर एस आलम तो आ ही नहीं रहा, सर एस आलम को, एस आलम आपको पैसा क्यों दे रहा है? एस आलम हमें पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एस आलम को उधार पे माल बेचा था। अगर आप इस बिल को ध्यान से देखो, ये सेल का हमने एस आलम को 4,37,050 रुपए का माल बेचा, बट मैंने एंट्री नहीं करी। देखा आपने, मैंने एंट्री नहीं करी इसलिए ऐसा इश्यू हो रहा है। अदरवाइज पैसा आपको, जिनको आपने माल सेल करा वही आपको पैसा देंगे, और कोई दूसरा बंदा आपको पैसा नहीं देगा। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहाँ आ जाना है, रिसीव में आना है, F3 करके पार्टी बनाना है। आपको पता है पार्टी तो एस आल एम है, और पैसा कौन देता है? डेटर्स ही देता है। क्रिएटर्स आपको पैसा कभी नहीं देगा, क्रिएटर्स को तो आप पैसा देते हो ना। कॉर्पोरेशन ग्रुप में सैंडरी डेप्टर्स, याद रखना, अगर आपको कोई पैसा दे और वो पार्टी हो तो उसके ग्रुप में हमेशा डेप्टर्स डालना है, ठीक है? इसको सेव कर दीजिए। कितना पैसा दे रहा है? पैसा दे रहा है 5,000, तो 5,000 डाल देंगे, इसको नो करेंगे और सेव कर देंगे। सेफ हो गया। उसके बाद 10 तारीख है, 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सुबह अगेन एस आलम ने पैसे दिए, तो आप यहाँ एस आलम लिखेंगे। कितना पैसा दे रहा है? 5,000, तो 5,500, तो 500 डालेंगे। सर सी का मतलब, सी का मतलब क्रेडिट होता है, जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है, और जिसके पास आता है वो डेबिट होता है। पैसा किसके पास आ रहा है? कैश के पास आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो गया। सर पैसा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का आ रहा है, आ तो इसी के पास है, लेकिन हम कभी इसका नाम नहीं लिखेंगे, हमेशा हम कैश और बैंक लिखेंगे। पार्टी वाला आपको पैसा कैश या बैंक के रूप में ही देता है, देता आपके नाम से, एंट्री भी आपके नाम से करेगा, लेकिन वो अपने पास एंट्री दिखाएगा कि मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को कैश दे दिया 5,000, और आप एंट्री करें कि एस आलम ने आपको 5,000 दे दिया, ठीक है? कभी भी अपना नाम नहीं लिखते कंपनी। और याद रखना, जब डेबिट आ जाए इसका मतलब कैश आपके पास आ रहा है। इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद हमने क्या करा, हमने ओसामा ट्रेडर ने भी हमें 1,000 रुपए दिए। अब ओसामा ट्रेडर भी हमारा कौन होगा? डेप्टर्स होगा, क्योंकि पैसा हमें कौन देता है? डेप्टर्स ही देता है। ओसामा ट्रेडर्स ग्रुप में सैंडरी डेप्टर्स, मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो करेंगे और सेव कर देंगे। कितने पैसे दे रहा है? 1,000, तो 1,000 टाइप कर देंगे। सर 1,000 नहीं, 10,000 हो गया, आप इसे 1,000 कर दीजिए और सेव कर दीजिए। क्लियर आ जाइए। इसके बाद हमें किसने पैसा दिया? हमें AR सेल्स कॉर्पोरेशन दी। सर ये आपको पैसा क्यों दे रहे हैं? ये पैसा इसलिए है क्योंकि हमने इनको माल बेचा। बना लीजिए AR सेल्स कॉर्पोरेशन ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स, मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो और सेव। कितना? 1,500, तो 1,500 क्या आ रहा है? कैश, तो कैश। क्लियर। इसके बाद हमें किसने पैसा दिया? 4 तारीख को, 4 तारीख को पैसा दिया है शिप्रा ट्रेडर्स ने। कितना? 1,000, तो 1,000 डाल देंगे। इस तरह आपने पार्टी की ना, क्योंकि ऑलरेडी पार्टी बनी हुई थी, और याद रखना इस पार्टी को मैंने 20 या 21 तारीख को माल बेचा भी था, अगर आप देखेंगे तो शायद मैंने 13 23 तारीख को माल बेचा। आगे ना इसका 1,85,000 मुझे इससे लेना है, जिसके आगे DR होता है इसका मतलब मुझे उससे पैसा लेना है। इसको सेव कर दो। सेफ हो गया, आ जाइए।
नेक्स्ट अब आता है ए आर सेल्स कॉर्पोरेशन, भी हो गया शिप्रा भी। अब हमने खर्चा करा 12 तारीख को 500 रुपए का मिसलेनियस एक्सपेंस करा। मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए कहाँ हो गए पेमेंट। याद रखना जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पैसा देते हो तो उसको पैसा मिलता है, और हमने बोला जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। किसको डेबिट हो रहा है? मिसलेनियस। सर मिसलेनियस तो खर्चा है, तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कितना खर्चा है सर? इसका जो खर्चा है वो 500 रुपए, तो 500 डाल देंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? सपोज अगर कोई नया खर्चा बनाना होता, कोई अदर एक्सपेंस के नाम से बनाना होता, तो ग्रुप में आप लोग इनका इनडायरेक्ट लेते। कौन सा लेते? सॉरी, एक्सपेंस इनडायरेक्ट लेते, खर्चे हमेशा एक्सपेंस इनडायरेक्ट लेते। क्लियर? सपोज 50 तो 50,000। सपोज अगर सर पार्टी का नाम होता तो पार्टी का नाम टाइप कर देते, लेकिन उसके ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर, पार्टी नेम में क्या डालते? सन्ड्री क्रिएटर। सर सन्ड्री क्रिएटर्स क्यों? क्योंकि सन्ड्री क्रिएटर्स हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम पैसा किनको देंगे? पैसा हम उनको देंगे ना जिनसे हमने माल खरीदा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब जो भी अमाउंट हो आप यहाँ अमाउंट टाइप कर दीजिए और कैश में सेव कर, बस खत्म। सर ये तो हमें समझ आ गया प्रॉपर वे में। सर अगर यहाँ बैंक होता उस केस में क्या? सर सारी एंट्री ऐसी होनी, बिल्कुल सेम यही एंट्री होनी, कोई फर्क नहीं। अब आ जाइए, अगर आपका क्या होता? बैंक होता। क्या होता आपका? बैंक होता। तो बैंक जो विड्रॉल है इसका मतलब पेमेंट होता है, जो डिपॉजिट है इसका मतलब रिसीव होता है। क्लियर? और याद रखना चाहे आप कैश बुक कर रहे हैं या बैंक बुक कर रहे हैं, क्योंकि अभी नए हैं आप, तो इसलिए आप जो भी, अगर कैश बुक में बैंक का नाम है और बैंक बुक में कैश का नाम है, तो वो एंट्री को आपको स्किप कर देनी, अभी नहीं करनी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, जब तक मैं आपको कॉन्ट्रा नहीं सिखाऊंगा मैं कैश और बैंक का कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं बताने वाला। बिल्कुल जी, ओके सर, हम चल सकते हैं। अब हमें बैंक की एंट्री करनी। मैंने बोला विड्रॉल माने पेमेंट होता है, डिपॉजिट माने रिसीव होता है। तो अब हमें पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? हम पहली एंट्री को स्किप कर रहे हैं, 12 तारीख को एस आलम ने 5,000 रुपए दिए हैं, डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? रिसीव। तो आप कहाँ जाएंगे? आप आ जाएंगे रिसीव साइड में। रिसीव पे आइए, एंटर मारिए, 12 तारीख, 12 किसको पैसा मिल रहा है? एस आलम। कितना पैसा मिल रहा है सर? 5,000। तो 5,000 लिखिए, और नरेशन में ध्यान से चेक नंबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? चेक नंबर। चेक नंबर कितना? जो भी चेक नंबर था वो चेक नंबर टाइप करें, 50015, और इसको सेव कर दीजिए। क्लियर? ऐसी पेमेंट हो, पेमेंट करनी। सर एक गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी मैंने? कि सर आपने वहां कैश लिख दिया, आपने बैंक अकाउंट तो बनाया ही नहीं। किसका? ऐसा आलम की, जो आपने 5,000 12 तारीख को लिखे। आपकी पेमेंट बैंक से आई, तो आपने यहाँ पर एफ थ्री करके बैंक में, पीएनबी बैंक था तो पीएनबी बैंक डाल दो, और ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल देना। क्या डाल देना ग्रुप में? बैंक अकाउंट, और इसको नो करके सेव कर दो, खत्म। ठीक है, सेम यही एंट्री करनी, जहां कैश था वहां बैंक लिख देंगे। ठीक है, और नरेशन में जरूर लिखिए चेक नंबर, चेक नंबर ट्रांसफर, अगर एनएफटी है तो एनएफटी, आरटीजीएस है तो आरटीजीएस है, जो भी नरेशन में वो साइड टाइप है। देखिए नरेशन लिखी हुई आप लोग लिखते रहिएगा। क्लियर? ये आज का सेशन था, जिस सेशन में हमने रिसीव और पेमेंट को कवर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में एक बार पूरी तरीके से मैं आपको रिसीव पेमेंट सिखा दूंगा दोबारा से, ताकि हमारा स्ट्रांग हो जाए किसी नए प्रोजेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।